नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बीकानेर राजस्थान से। बहुत से पेशेंट हमसे पीआरपी के बारे में बहुत सवाल करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि पीआरपी क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या इससे हेयर ग्रोथ में फ़ायदा आता है, वगैरह वगैरह। पीआरपी आज के टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हेयर फॉल में पीआरपी के यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पीआरपी आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे ब्लड में प्लेटलेट नाम से एक सेल होता है जिसमें नेचुरली बहुत तरह के ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं। पीआरपी बनाते समय हम इस प्लेटलेट नाम के सेल को ब्लड के बाकी सेल से अलग करके इसे प्लाज्मा में कंसंट्रेट कर लेते हैं, यानी कि प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं। नॉर्मल ब्लड के कंसंट्रेशन से लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका प्लाज्मा में करके फिर हम इसे आपके बालों की जड़ों में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसके साथ ही आपकी हेयर फॉल को कम करने में भी ये मदद करता है। तो चलिए अब पीआरपी से रिलेटेड कुछ आम सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पीआरपी गंजेपन में या हेयर फॉल में इफेक्टिव रहता है? जैसा कि हमने बताया, पीआरपी का आपके हेयर की ग्रोथ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, क्योंकि इसके जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये आपके बालों के स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है, उनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ आपके बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। नंबर 2, क्या हेयर फॉल के लिए पीआरपी के साथ में आपको और ट्रीटमेंट भी लेने चाहिए? जी हाँ, पीआरपी के साथ में और ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंबाइन करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मिनोक्सिडिल सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, जो कि मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस दोनों में यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की मेडिसिन यूज़ होती हैं हेयर फॉल में, जो कि आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, क्या पूरा गंजापन होने पर पीआरपी से नए बाल भी आ सकते हैं? जी नहीं। अनफॉर्चुनेटली यदि आपका गंजापन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, यदि ग्रेड 6 या ग्रेड 7 का आपको हेयर लॉस हो गया है और आपके सिर पर पूरा गंजापन आ गया है, तो पीआरपी से आपके नए बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रेड 6 से पहले के गंजेपन में पीआरपी ज़रूर इफेक्टिव रहता है। यदि आपके बाल पतले हो रहे हैं, छोटे हो गए हैं, बालों का घनापन कम हो गया है, हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन सभी चीज़ों में पीआरपी से आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन यदि आपके हेयर पूरी जड़ से ख़त्म हो चुके हैं, आपके सिर पर पूरी तरह से गंजापन आ चुका है, तो पीआरपी से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नंबर 4, पीआरपी की कितनी सिटिंग्स लेनी चाहिए और कितने गैप से लेनी चाहिए? देखिए, पीआरपी थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हर क्लिनिक अपना अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। यूजुअली पीआरपी की 2 सिटिंग्स के बीच में 1 महीने का गैप होता है। ये गैप 1 महीने से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है। नंबर ऑफ सिटिंग्स आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो अपने क्लिनिक में कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करना पसंद करते हैं। यूजुअली 1-1 महीने के गैप से 3 से 6 सिटिंग लेने पर पीआरपी का बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपको कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं वो आपके डॉक्टर की प्रेफरेंस पर और आपका हेयर फॉल कितना एडवांस है इस ग्रेड पर डिपेंड करता है। नंबर 4, क्या पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, पीआरपी एक टोटली नेचुरल सॉल्यूशन है, जिसे आपके ही ब्लड से डिराइव किया गया है। इसमें अलग से कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं डाले गए हैं, इसलिए इससे कोई भी साइड इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। नंबर 5, क्या पीआरपी एक पेनफुल प्रोसीजर है? जी हाँ, पीआरपी लगाते समय पेन होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे कम करने के लिए हम या तो सुन करने वाली क्रीम आपके सिर पर लगा सकते हैं, या फिर लोकल एनेस्थीजिया देकर आपके सिर के उस टारगेट एरिया को हम पूरी तरह से सुन कर सकते हैं, जिससे कि इंजेक्शन लगाते समय आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा। नंबर 6, पीआरपी ट्रीटमेंट लेने के कितने समय बाद हम अपना रूटीन डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं या अपना नॉर्मल डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं? पीआरपी थेरेपी के तुरंत बाद में आप अपना रूटीन टास्क शुरू कर सकते हैं। कोई भी रेस्ट लेने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। पीआरपी लेने के बाद में कोई भी स्पेशल परहेज रखने की ज़रूरत नहीं है और आप तुरंत अपना नॉर्मल रूटीन काम रिज्यूम कर सकते हैं। नंबर 7, कुछ पेशेंट्स हमें कहते हैं
कि हमने पीआरपी की 2, 3, 4, 5 सेटिंग करवा ली, लेकिन फिर भी हमारे हेयर फॉल में कोई सुधार नहीं आया, हमारे हेयर फॉल में कोई कमी नहीं आई, हमारा हेयर फॉल वैसा का वैसा ही चल रहा है, रुका नहीं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है, मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और आपने उसे करेक्ट नहीं किया है तो आपका हेयर फॉल कंटिन्यू हो सकता है। यदि किसी हार्मोनल कारण की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है और उसकी रोकथाम के लिए आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपका हेयर फॉल सेम स्पीड से कंटिन्यू हो सकता है। यदि कोई और अंडरलाइंग कॉज है और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो आपका हेयर फॉल कंटिन्यू हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर पीआरपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पर पीआरपी बनाने की टेक्निक परफेक्ट नहीं है, वहाँ पर जो पीआरपी सॉल्यूशन बन रहा है वहाँ पर प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन आइडियल नहीं है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक अच्छे वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनके कंसल्टेशन के हिसाब से वो जो भी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करें वो ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। यदि वो आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स देते हैं तो आपको वो लेना चाहिए, यदि किसी तरह की हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो वो भी आपको साथ में लेनी चाहिए। हेयर फॉल में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सिर्फ पीआरपी से भी आपको रिजल्ट आएगा लेकिन कॉम्बिनेशन थेरेपी जितना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। यदि आप हेयर फॉल के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे हमने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें हमने हेयर फॉल के अलग अलग कारणों के बारे में डिस्कशन किया है। हेयर फॉल के अलावा भी पीआरपी के और बहुत तरह के यूज हैं। एक्ने स्कार्स में, फेशियल रिजुविनेशन में और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी पीआरपी का बहुत प्रयोग होता है। इन चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेयर फॉल में पीआरपी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।